सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नई नई जॉब अपडेट्स का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स एंड करियर स्प्रेड योर शाइन, जहाँ पे हम आपके लिए नई नई जॉब अपडेट्स का वीडियो लेके आते हैं। तो आज हम एक और, जो कल हमने एक वीडियो डाला था पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट्स का, जो कॉन्स्टेबल्स की आई हैं, तो उसके लिए हम आगे जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर जो है पंजाब पुलिस के अंदर, कॉन्स्टेबल्स जो रिक्रूटमेंट्स आई हैं उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नई नई जॉब अपडेट्स का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो बात कर लेते हैं हम पहले कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर और आर्म पुलिस कैडर के अंदर आई हैं। तो टोटल जो है 4,000 पोस्ट हैं। 18 जनवरी 2018 से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 22 फरवरी तक ये ऑनलाइन जो है चलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम आप बात करते हैं यार, तो इसमें क्या है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और रिटन एग्जामिनेशन भी होगा। जो अभी इतना जो है कि मतलब नोटिफिकेशन प्रॉपर आया नहीं है कि रिटन एग्जामिनेशन का, जो जितना हम मतलब हमने जाना है तो उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि इस बार रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है। तो अगर होता है तो 100 मार्क्स का होगा और इसमें पासिंग मार्क्स जो हैं 50 जनरल के लिए रहेंगे और 40 जो है SC ST BC वालों के लिए रहेंगे, और पर्सनल इंटरव्यू के जो है 5 मार्क्स अलग से मिलेंगे। तो आगे हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करते हैं, तो जिसमें हाइट जो है मेल की जो है 5'7" मांगी है और फीमेल के जो है 5'3" होनी चाहिए कम से कम। तो आगे जो है, जैसे कि लास्ट टाइम जो हुआ था उसमें जो है, तो उसमें जो 10+2 जो है मैट्रिकुलेशन एग्जाम का जो है वहाँ पे जो है परसेंटेज जोड़ा गया था। तो इस बार भी अगर रिटन टेस्ट नहीं होता तो ये प्रोसीजर तो रहेगा ही रहेगा कि 10+2 के एग्जाम के जो है, सॉरी, जो इसका परसेंटेज है वो काउंट होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट की हम बात करते हैं, तो मेल के लिए जो है 1600 मीटर का रेस होगा, जो 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरा करना है, एक ही चांस मिलेगा। लॉन्ग जंप में जो है 3 चांसेस होंगे, हाई जंप में 3 चांसेस होंगे, देख सकते हैं आप इसको अच्छी तरह से। 800 मीटर का जो है गर्ल्स गर्ल्स के लिए होगा, फीमेल के लिए 4 मिनट्स का एक ही चांस होगा। लॉन्ग जंप में 3 और हाई जंप में 3 चांसेस होंगे। आगे हम बात करते हैं, तो जो +2 जो मैट्रिकुलेशन एग्जाम जो है में आपने जो परसेंटेज आपका है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि अगर 40% तक हैं या नीचे हैं तो इसके जो 10% हैं, आगे आप 40 से 50 के लिए 11, 50 to 60 के लिए 12 हैं, 60 to 70 13 हैं, 70 और 80 के लिए 14 है, और मैक्सिमम जो है 15 जो है मिलेंगे आपको मार्क्स अगर आपके 80% से ज़्यादा हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। और जैसे ही अगर रिटन टेस्ट का कुछ कंफर्म होता है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा, उसका सिलेबस होगा, तो हम उसके बारे में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये पहली बार अगर होता है तो पहली बार एग्ज़ाम जो है रिटन टेस्ट होगा, तो इसके बारे में जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।